Now starting with the second one, here it says regular hexagon of side 10 centimeter has a charge of 5 microcoulomb at each of its vertices. Calculate the potential at the center of the hexagon. हेक्सागन के सेंटर पे हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे हेक्सागन दिया हुआ है हमें, हेक्सागन का मतलब क्या होता है कि उसकी कितनी साइड्स हैं, सिक्स इक्वल साइड्स हैं। अब सिक्स इक्वल साइड्स को हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है कहाँ पे, सेंटर पे। ठीक है, अब सेंटर पे हम पोटेंशियल निकाल के देखते हैं कि कितना आता है और कैसे निकाला जाएगा। यू हैव टू टेक सम ऑफ ऑल द वर्टिसेस, सबका पोटेंशियल निकलेगा क्योंकि क्यू हर जगह प्लेस है और उसका चार्ज कितना दिया हुआ है हमें, माइक्रोकूलम। और माइक्रोकूलम को कूलम में बदलना इम्पोर्टेंट है, तो उसको हम क्या लिखते हैं, 5 × 10⁻⁶ कूलम। अब यहाँ भी इन्होंने क्या बोला, साइड कितने की है, 10 सेंटीमीटर की। 10 सेंटीमीटर को किस में बदलना जरूरी है, मीटर में। और कैसे करते हैं, डिवाइडेड बाय 100 विच इज 0.1 मीटर। अब हमें पोटेंशियल निकालना है सेंटर पे, सेंटर पे पोटेंशियल सारे चार्जेस की वजह से मिलेगा आपको सेंटर पे। ठीक है, सारे चार्जेस की वजह से सम टोटल क्या होगा हमारा, उसका पोटेंशियल होगा। अब क्या कैसे फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, 1/4 ε₀ पहले वाला चार्ज की वजह से q/r, सेकेंड वाले चार्ज की वजह से q/r, q/r फॉर द थर्ड वन, फोर्थ वन, फिफ्थ वन एंड द सिक्स्थ वन। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, कितनी बार है ये सारा q/r, 6 बार है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 6 × 1/4 ε₀ q/r, क्योंकि 6 बार q/r था तो 6 q/r हो जाएगा और 6 हमने बाहर लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, अब वैल्यू सब्सिट्यूट करते हैं, 6 और 4 को कैंसिल बिल्कुल भी मत करना क्योंकि हमें पता है 1/4 πε₀ की वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁻¹। और Q की वैल्यू कितनी है हमारी, 5 μC है ना, 5 × 10⁻¹। देन R कितना दिया हुआ है यहाँ पे हमें, इट इज गिवन एज 0.1। अब यहाँ पे हम इसको रिड्यूस करने की कोशिश, पॉइंट हटाएंगे, ऊपर क्या आ जाएगा 10। अब यहाँ पे 10⁻⁹ है और 10⁻¹ ऐड होके कितनी हो जाएंगे, 10⁻⁩। 10⁻¹ में से 10⁻⁹ हुआ तो 10⁻⁴। 6 × 9 इस 54, 54 × 5 करना है आपने, तो 54 × 5 हो जाएगा आपका, इट मस्ट बी आई थिंक 2702, या 270 इट इज। और यहाँ पे अगर आप इसी चीज को किसमें कन्वर्ट करना चाहो, स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो पॉइंट किसके बाद आना चाहिए, 2 के बाद, 2.7 10 की पावर की हो जाएगी हमारी 6 वोल्ट। इसका मतलब पोटेंशियल कितना होगा सेंटर पे हेक्सागन के, इट वुड बी 2.7 × 10⁶ वोल्ट। अब आपने ये सोचना था यहाँ पे कि पोटेंशियल लगेगा किसकी वजह से, और वो लगेगा किसकी वजह से, 6 चार्जेस की वजह से सेंटर पे पोटेंशियल क्रिएट होगा। ठीक है, सो यस, दैट्स योर आंसर फॉर सेकेंड वन। नाउ विल बी मूविंग टू द थर्ड पार्ट ऑफ इट।